one disclaimer सबसे पहले you know we own the stock we have been long on the stock I think almost for 8-9 months हमने अपने clients को advice किया हुआ है और this is a long term bet you know जो ओमकारा ने लिया this is not a trading stock at all again sir theme वही है हमारा manufacturing और manufacturing में हम लोग वो stocks देखते हैं जहां पे जो product को बनाता है वो across industries use हो सकता है कि जब आपको ये industrial agricultural अर्थ मूविंग ये सब चीजों में स्टील में सीमेंट में जब आपको देखिएगा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इनके प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज यूज होंगे हम बात कर रहे हैं पिक्स ट्रांसमिशन की सर छोटा स्टॉक है छोटा वॉल्यूम है तो प्लीज वो अपना रिस्क दिमाग में रखिए एलोकेशन ज्यादा मत कीजिए बट मार्केट कैप इसका 1150 करोड़ है सर ये कंपनी में जहां पे हमें उम्मीद है कि ये 600 से 625 करोड़ सेल्स कर सकता है FY24 में और 80 से 90 करोड़ प्रॉफिट कर सकता है ये कंपनी आज भी सर 13 टाइम पे ट्रेड करता है और इसका ROIC 20% से ऊपर है ये करता क्या है कंपनी ये मैन्युफैक्चर करता है सर वाइड अलग अलग तरीके की जो बेल्ट होती है इंडस्ट्रियल बेल्ट होती है वो करता है रिलेटेड मैकेनिकल ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स करता है जैसे वी बेल्ट हुआ कटेज बेल्ट हुआ रिबिट बेल्ट हुआ अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए ये करता है ये इंडस्ट्री बहुत ही सिंपल है सर यहाँ पे 2-3 प्लेयर्स ही है ज्यादातर इंडिया में जेके फेनर है और पिक्स ट्रांसमिशन है तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा आ सकती है बिकॉज ये इंडस्ट्री में 2-3 प्लेयर्स ही है प्रमोटर का स्टेक 62% है हमें कंपनी अच्छा क्यों लगता है सर सिंपल सी बात है इसमें एक एस्टेब्लिश ब्रांड है अगर आप किसी से भी बात करेंगे जो यू नो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उनको पिक्स ट्रांसमिशन के या पिक्स बेल्ट के बारे में पता है इस कंपनी का 30-40% मार्केट शेयर है सर ग्रॉस मार्जिन 60% के आसपास रहता है जो मैंने देखा कि 20-25 क्वार्टर से इसका ग्रॉस मार्जिन 55-60% के बीच में रहता है और एबिटा मार्जिन 20% से ऊपर रहता है डेट फ्री कंपनी है सर ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है पर इंपॉर्टेंटली कि ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि बहुत सिंपल है बनाने के लिए इसके बाद ऑलमोस्ट 2500 से ज्यादा SKUs है मतलब इन्होंने बहुत सालों का एक्सपीरियंस है जहां पे ये 2500 से ज्यादा डिफरेंट बेल्ट्स बनाते हैं जिनका एप्लीकेशन हर एक इंडस्ट्री में होता है तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है और इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए जो गेट्स करके कंपनी है उससे भी अच्छे प्रोडक्ट्स की कंपनी बनाती है इट्स अ वेरी हाईली कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कोई अच्छा नहीं है कोई बहुत आसान नहीं है कि कोई भी इसको बना दे अगर आप देखो तो जेके फेनर से इसने अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 2-3 सालों में इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर जो जेके फेनर है उससे अच्छा ग्रोथ दिखाया है हमें इवन अगर प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए या मार्जिन के हिसाब से देखा जाए तो गेट से ये ज्यादा चीपर प्रोडक्ट है और अच्छे मार्जिन से रिपोर्ट करता है और अगर आपको विश्वास है कि ये इंडस्ट्रियल ऑटो फार्म मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर में सीमेंट में स्टील में आपको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं अपस्विंग आएगा आगे जाके IIP ग्रो होगा तो उस तरीके से ये कंपनी देखा जाए बहुत ही अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है सर ग्लोबली अगर मार्केट साइज देखो तो जो प्रोडक्ट्स का है वो कुछ 20-22 हजार करोड़ का है और इसका मार्केट शेयर सिर्फ 2% है जो हमें ये उम्मीद है कि आगे जाके इसका मार्केट शेयर भी ग्लोबली भी बढ़ेगा और इन्होंने इसलिए एक कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है 60 करोड़ का जहां पे इनका कैपेसिटी 50% से ज्यादा ग्रो करेगा आगे जाके अगर आप पीयर्स की बात की जाए जैसे मैंने आपको बोला कि जेके फेनर जो अनलिस्टेड प्लेयर है उसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है लास्ट 3 साल से लेकिन पिक्स का रेवेन्यू 50% ग्रो किया है इन द लास्ट 3 इयर्स पिक्स के रिटर्न रेशियोज अगर देखेंगे तो जो गेट्स है जो एक इंटरनेशनल कंपनी है उससे भी ज्यादा बेटर है एक छोटा सा कंपनी लिस्टेड है सर इंटरनेशनल कन्वेयर बेल्ट जो लिस्टेड कंपनी है वो आज KTM 15 टाइम पे ट्रेड करता है और जिसका प्रॉफिट सिर्फ 16 या 17 करोड़ के आसपास है और ROE 9% के आसपास है उसके हिसाब से आपको बड़ा कंपनी बड़ा साइज का कंपनी जो 60-80 करोड़ का प्रॉफिट कर सकता है वो आपको 13-14 टाइम पे मिल रहा है और जिसका यू नो रिटर्न रेशियो जैसे मैंने आपको बोला 20% से ऊपर है सो अगर किसी के पास 1-2 साल का व्यू है सर और अगर किसी को लगता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इंडिया में आके जाकर ज्यादा बढ़ेगी और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है अक्रॉस सेक्टर्स यूज होता है तो इस कंपनी को देखना चाहिए एज ए सेड इसमें मार्केट कैप बहुत कम है और इवन वॉल्यूम कम होते हैं तो वो एलोकेशन का ध्यान रखना चाहिए ज्यादा एलोकेशन लेना चाहिए एज अ स्मॉल कैप बेट कैन कीप 2% यू नो एलोकेशन इन दिस कंपनी वी आर बायस्ड वी ओन दिस कंपनी